Welcome students, this is the next lecture of e-commerce, and in this we are going to discuss about issues related to e-commerce. So in the unit 3 we have already discussed about this public policy issues and socio-cultural issues and legal aspects of e-commerce. The main part we have already discussed in the previous units. So here we will be discussing about limitations from two aspects. First is technical aspect and the second is non-technical aspects. So a technical aspect. So first part, we will see the technical limitations of e-commerce. So the first one is lack of sufficient system security, reliability, standards and the communication protocol. तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी की. तो सिक्योरिटी एवरीवन नोज दैट हु इज नॉट टेक सेवी, हु इज नॉट वेल अवेयर ऑफ कंप्यूटर्स और दीज टेक्निकल थिंग्स लाइक हाउ टू डू ऑनलाइन पेमेंट्स, हाउ टू डू इंटरनेट बैंकिंग, या फिर यू कैन से दैट गूगल पे और हाउ टू यूज भीम ऐप एंड ऑल दोज थिंग्स. दे फील लिटिल बिट इनसिक्योर. Even the literate people are not able to do these things confidently. So there's security issues because there are certain loopholes or there are a number of cases where hackers have stolen the information and misused the money, and they have stolen the account, stolen the money from the account. So that's why they don't think that these online systems are reliable, and the standards and the communication protocol that have been developed for this online medium is also not that much good. Matlab aap keh sakte ho ki utne zyada abhi efficient nahi hai. Agar laws bane bhi hain to wo utne efficiently implement nahi ho rahe hain. Theek hai, so there bahut sari cheeze aisi hain which are hindering the people to use this electronic कॉमर्स और या आप कहें कि ऑनलाइन मीडियम को अडॉप्ट करने के लिए. सो दीज आर दी टेक्निकल लिमिटेशंस. ये एक में आएगा टेक्निकल लिमिटेशंस में. देन है इनसफिशिएंट टेलीकम्युनिकेशन बैंडविड्थ. अब अगर आप कोई भी चीज ऑनलाइन कर रहे हैं, व्हेनेवर यू गो फॉर ऑनलाइन थिंग, आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपके पास प्रॉपर जो बैंडविड्थ होनी जरूरी है, जो टेलीकम्युनिकेशन बैंडविड्थ है. अगर आपका नेट की स्पीड अच्छी नहीं है तो जब आप पेमेंट के पे पहुंचते हो तब उस पोर्शन पे जाके क्या होता है, वो आपको रिफ्रेश करने के लिए बोलता है एंड देन यू हैव टू मूव द एंटायर प्रोसेस. या आप मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे IRCTC की बुकिंग कर रहे होते हैं, आपने तत्काल बुकिंग करनी है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको 11 o'clock वो खुलता है और मोस्ट ऑफ द पीपल वर ऑनलाइन, उस टाइम ऑनलाइन बैठे होते हैं कि ताकि उनको टिकट सबसे पहले मिल जाए. तो जब तक हो सकता है कि आप पहले लॉग इन कर चुके लेकिन पेमेंट के पहुंचते पहुंचते आप पीछे हो जाते हो बिकॉज लो बैंडविड्थ. सो बैंडविड्थ जो है दैट शुड बी सफिशियंट. ठीक है. देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल आर स्टिल इवॉल्विंग एंड चेंजिंग रैपिडली. अब यू नो दैट टेक्निकल ऐसा नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर है दैट विल स्टे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. हर चीज की अपडेशन और इवोल्यूशन आ रही है. हमें देख लो, व्हेन वी वर किड्स, हम वी वर यूज्ड टू स्टडी इन अ डिफरेंट वे. धीरे 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 जैसे टेक्नोलॉजी इनबिल्ट हो गई एजुकेशन में, इट गॉट इवॉल्व. इट इज नॉट अबाउट द एजुकेशन ओनली, इन एवरी फील्ड आप देखो हर चीज इवॉल्व हुई है. आपके घर का इंटीरियर देख लो, या पेंट मैकेनिज्म देख लो, या फिर आप बेडशीट्स डिजाइन देख लो, या क्लोदिंग स्टाइल्स देख लो. हर चीज इवॉल्व होती है विद द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. तो सिमिलर वे जो डेवलपमेंट टूल्स हैं दैट आर आल्सो गेटिंग इवॉल्व्ड एंड दे आर चेंजिंग रैपिडली, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो हमेशा रहेगी आपकी. दैट विल मॉडिफाई, कुछ नया कुछ नया कुछ नया, इनोवेशन का टाइम है. देन इट इज अबाउट डिफिकल्टीज इन इंटीग्रेटिंग द इंटरनेट एंड ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर विद सम एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन एंड डेटाबेसेस. As I told, as technology is continuously evolving and everything is coming new, every new day is bringing new technology. So integrating that with e-commerce software is difficult. जो existing software है उसके साथ या existing database के साथ जो new technology है उसको integrate करना, it's a difficult task.
नेक्स्ट इज अ नॉन टेक्निकल. टेक्निकल की बात हमने कर ली है, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन टेक्निकल लिमिटेशंस. सी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ. लैक ऑफ टच एंड फील ऑनलाइन. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू बाई एनी फैब्रिक ऑनलाइन, सो वॉट हैपन्स, यू आर नॉट एबल टू टच or you are not able to feel what kind of product or it is, what kind of cloth it is. So this is one of the biggest limitations of e-commerce, you can say, because aap touch karke feel karke nahi pata kar sakte hain ki ye kis tarah ki cheez hai. Waise hi jaise aap sofa lene jaate ho, so when you sit to aapko feel hota hai this soft one or the hard one, but aap online se reviews dekh kar ya fir जो भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू परचेज द प्रोडक्ट. तो इस ये दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस. मैनी अनरिजॉल्व लीगल इश्यूज, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो लीगल हैं, जो मैंने बोला कि बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, बट इंडिया में यू नो दैट इम्प्लीमेंटेशन लॉज का बहुत अच्छे से नहीं होता है, राइट. बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, या उसका कई बार वो केस पे केस होता रहता है और वो अनरिजॉल्व ही रह जाता है. रैपिडली इवॉल्विंग एंड चेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमें जब न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो जो हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस है या जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसके साथ न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स को इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. देन हमारा है लैक ऑफ सपोर्ट सर्विसेज. इंटरनेट के लिए हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो तो हमारा चल जाएगा. आपका पीसी अच्छा होना चाहिए, उसमें स्टोरेज अच्छे होने चाहिए. आप इंटरनेट से जब आप कोई चीज डाउनलोड करते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ वायरसेस ऑल्सो. ठीक है, हर चीज कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स के साथ आती है. तो जब आप नेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो या कोई मूवी डाउनलोड करते हो, कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हो या एनीथिंग, एनी पीडीएफ, एनी नोट्स यू आर डाउनलोडिंग फ्रॉम इंटरनेट, तो क्या होता है, बहुत सारे वायरसेस दैट आल्सो कम अलोंग विद दैट आर क्रिएटिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स. तो उन सब चीजों के लिए हमारे पास बैकअप बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे हमारा हमारे में बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होना चाहिए एंटी वायरस का, या और हमारी सॉफ्ट जो हार्ड डिस्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर हमें कुछ चीज़ें सेव करनी है. देन इज इनसफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स. वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस व्हेन वी लुक फॉर एनी प्रोडक्ट. हमारे पास बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं. ऐसा नहीं है कि हमें उनको अट्रैक्ट करना है, या तब जब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं देन यू गेट कंफ्यूज्ड. ये अपने फिजिकल जब आप स्टोर पे जाते हो तब भी देखा होगा, जब आपके पास थाउजेंड ऑफ या फिर हंड्रेड्स ऑफ उसने पीसेस दिखा दिए सूट्स का, वो समझ ही नहीं आता है कि कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा बेकार है. ठीक है, यू गेट कन्फ्यूज. तो इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स हैं और नंबर ऑफ बायर्स हैं, तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स कन्फ्यूजन. ब्रेक डाउन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. अब जैसे हम बात करते हैं फिजिकल में, जब हम किसी स्टोर पे जाते हैं, वी यूज टू टॉक टू हिम, हमसे बात करते हैं, पूछते हैं आप कहाँ से हो, क्या करते हो, यहाँ कब से काम कर रहे हो, एक फिजिकल रिलेशनशिप जो हमारा होता है, ह्यूमन रिलेशनशिप बन जाता है उसमें, कि हम दूसरे का वी वॉन्ट टू नो अबाउट ईच अदर, और हमें अगर वो सही लगता है तो वी एवरी टाइम वी यूज टू गो टू दैट पर्टिकुलर शॉप. हम हर बार उसी शॉप से जाते हैं, या हमें फिर बल्क में कोई चीज़ उठानी है तो हम कहते हैं, रेफर भी करते हैं कि आप इस पर्टिकुलर शॉप में चले जाओ, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट देते हैं. ठीक है, देन एक्सपेंसिव एंड इनकन्वीनियंट एक्सेसिबिलिटी टू द इंटरनेट. अब हम बोल रहे हैं कि जैसे प्लान्स जो हैं वो चीपर हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जो चीप प्लान है वो आपको उतनी ही अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराएं. बहुत जगह ऐसा होता है कि उनके टावर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो नेट नहीं चलता है अच्छा, तो आपका जो प्रोसेसिंग है वो बीच में ही रुक जाती है. सॉरी, तो उस केस में क्या होता है, ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव आती हैं. जैसे अगर आप मान लो आपने आजकल वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है कोविड के ड्यूरेशन में, तो जो ऑफिसर्स की कॉल है या जो वीडियो क्लासेस हैं
उसका जो नेट होता है वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है, इवन आप 6 GB 7 GB भी आराम से हमारा पर डे कंज्यूम हो जाता है। तो उसके लिए हमारा जो पैकेज है दैट हैज टू बी वो उतना ही अच्छा होना चाहिए, उतना ही रोबस्ट होना चाहिए। और क्या होता है कि जैसे हम आप फोन्स में भी मोबाइल फोन्स में भी आपके इंटरनेट है और जितने फोन्स घर में है सबके पास उसमें भी इंटरनेट होता है, ऊपर से हम वाईफाई भी हमें लगाना पड़ता है हर बैंडविड्थ के लिए, ठीक है। सो दीज आर द नॉन टेक्निकल लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।